दुनिया उन्हें शॉर्टकट के नाम से जानती पहचानती है, असल नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। जब भी बिहार से आए अभिनेताओं का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिस अभिनेता का नाम आता है वो है शत्रुघ्न सिन्हा। बिहार के पटना में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा एक्टर बनने का सपना लेकर बरसों पहले ही मुंबई शिफ्ट हो गए थे, लेकिन आज भी उन्होंने खुद को अपनी जड़ों से यानी बिहार से जोड़ कर रखा है। यही वजह है कि लोग उन्हें प्यार से बिहारी बाबू भी कहते हैं। अपने परिवार के साथ शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई के सबसे पॉश इलाके जुहू में स्थित अपने शानदार बंगले में रहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का ये 8 मंजिला बंगला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। उनके बंगले का नाम है रामायणा। घर की मुख्य दीवार पर ही हिंदी के बड़े बड़े अक्षरों में रामायणा लिखा है, जो किसी को भी दूर से ही आसानी से नजर आ जाता है। अक्सर लोगों के दिल में सवाल आता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने घर का नाम रामायणा ही क्यों रखा, जिसका जवाब ये है कि उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम रामायण के किरदारों के नाम पर ही आधारित है। 4 भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न के 3 बड़े भाइयों के नाम राम, लक्ष्मण और भरत हैं, जबकि उनके खुद के दोनों जुड़वा बेटों के नाम लव और कुश हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का पूरा परिवार इसी बंगले में अलग अलग लेकिन एक साथ रहता है। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा के साथ बंगले के 2 टॉप फ्लोर्स में रहते हैं, जबकि नीचे के 3 अलग अलग फ्लोर्स उन्होंने अपने 3 बच्चों लव, कुश और सोनाक्षी को दिए हुए हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा फैमिली मैन है। वह चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा एक साथ रहे, लेकिन इसके साथ ही वो अपने बच्चों को आजादी भी देना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने 3 बच्चों को घर के अलग अलग फ्लोर में शिफ्ट कर दिया। यानी अब उनके 3 बच्चे अपने पर्सनल स्पेस में रहते हैं और साथ ही परिवार से भी जुड़े रहते हैं। सोनाक्षी के घर की झलक तो आप कई बार उनकी अलग अलग तस्वीरों में देख सकते हैं। सोनाक्षी ने अपने घर को विंटेज थीम के साथ कोजी लुक दिया है। पूरे घर में वुडन फ्लोरिंग है, जबकि दरवाजे और खिड़कियां सफेद रंग की हैं। सोनाक्षी यहाँ अपने पेट डॉग के साथ रहती हैं। इसके अलावा इसी बिल्डिंग में ही सोनाक्षी का ऑफिस भी है, जिसे उनकी मॉम ने खुद डिजाइन किया है। सोनाक्षी ने अपने वर्क प्लेस को अपना फेवरेट जोन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। म्यूजिक और डांस की शौकीन सोनाक्षी यहाँ जमकर डांस प्रैक्टिस भी करती हैं। 8 मंजिला रामायणा के 1 पूरे फ्लोर पर परिवार के लिए जिम भी बनाया गया है। लव और कुश भी इसी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं। शादीशुदा कुश अपनी पत्नी तरुणा के साथ अलग फ्लोर में रहते हैं। कुश को फोटोग्राफी का बेहद शौक है, वो अक्सर अपनी खींची हुई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। वहीं पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए लव सिन्हा ने भी एक्टिंग के बाद राजनीति के क्षेत्र में कदम रख दिया है। इसी साल नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में लव सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि लव सिन्हा ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन बेटे की चुनावी हार से उनके पिता के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। शत्रुघ्न मानते हैं कि उनके बेटे का भविष्य बिहार की राजनीति में काफी उज्जवल होने वाला है। फिलहाल वह लव की जड़ें बिहार की राजनीति में मजबूत करने में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।